हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ मुल्लापुरवाली रोड में और आज हम जाने वाले हैं एक नई जगह पे। यह है बॉटनिकल गार्डन और ये है मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। अगर आपको यहाँ पे आना है तो पीजीआई से लेके आप खुड्डा लोरा वाले जो मुल्लापुर वाला हाईवे है इसमें आप आ जाइए और थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड में आपको ये गार्डन मिलेगा, बॉटनिकल गार्डन। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। एंट्री पॉइंट कुछ इस तरीके का है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन्होंने बॉटनिकल गार्डन इको पार्क। और यहाँ पे बहुत सारे गमले लगा रखे हैं और इसका एक बड़ा सा गेट है। अब अंदर चलेंगे हम। पार्क के अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये बड़ा सा गेट दिखेगा और इसके बाद चारों तरफ यहाँ पे देखिए फूल वगैरह लगा रखे हैं और ये सोलर पैनल लगा हुआ है नया और एक साइड भी सोलर पैनल लगा हुआ है। और यहाँ से एंट्री करते हुए एक रास्ता इस साइड को जाता है, एक बीच की तरफ जाता है, एक जाता है इस साइड को। तो अभी हम चलेंगे आगे की साइड और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। पार्क के अंदर आते ही आपको देखिए नई नई चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पे और साथ में ही काफ़ी अच्छे सारे फूल वगैरह है और बहुत सारे पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं। पहले यहाँ पे कितनी मेंटेनेंस नहीं की थी बट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया इस पार्क को। और इस साइड देखिए, इस साइड भी कुछ है, अंदर जाके देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं और आगे अगर चले तो हम इधर देखिए कुछ एक काफ़ी ओल्ड सा लग रहा है, एक सीमेंट का ये कुछ बैठने के लिए चबूतरा टाइप का बना रखा है। और रोड जो है बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा पार्क है। आप यहाँ पे अगर वॉक करना चाहते हो तो उसके लिए भी कंफर्टेबल है और सबसे बेस्ट है कि ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो इस टाइम तो इसकी जो डिस्टेंस वो काफ़ी बड़ा है। ये पार्क एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें सबसे बड़ी बात है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और इसके बहुत सारे गेट हैं। आप इसको मुल्लापुर वाले हाईवे से जो इसके अंदर एंटर कर सकते हो, एक दूसरी जगह से भी है। और उसके बाद आप अगर मार्बल मार्केट है पीछे वहाँ से भी इसमें एंटर कर सकते हो। तो काफ़ी सारी जगह है जहाँ से आप इसमें इसके अंदर एंटर कर सकते हो। ये जो ब्लॉग बन रहा है ये इसी पार्क के लिए स्पेशल की, ताकि आप लोगों को ये दिखाया जाए कि ये भी एक जगह है चंडीगढ़ में, क्योंकि ये हटके है थोड़ा बैक साइड में न्यू चंडीगढ़ वाली सड़क पे, उस रोड पे बना हुआ है। अगर इस टाइम अगर आप देख रहे हो दूर दूर तक आपकी नज़र जा रही है तो यहाँ पे जो है पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको। स्टार्टिंग पॉइंट में दो तीन अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर दिया गया है और साइड में फूल वाले फूल्स वगैरह बहुत लगा रखे हैं। इसके बाद हम बीच में चलेंगे, वहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं तो उनको भी इसमें हम कवर करेंगे। और एक बीच में एक कुछ और बना हुआ है यहाँ पे, तो इस टाइम सर्दियों का मौसम है तो लोग यहाँ पे धूप सेकने के लिए आ रखे हैं। ये शायद कोई ऑफिस वगैरह है बीच में इसके। और देखिए पेड़ों को देखिए आप, कितने सही पेड़ हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं। तो पार्क में इतनी हवा नहीं चलती क्योंकि थोड़ा अगर आप थोड़ी से नीचे से जगह में बैठो तो आपको बहुत अच्छी धूप लगती है। तो ये ऐसा लुक है इस पार्क का, जिस सड़क में मैं चल रहा हूँ बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत अच्छा व्यू है। अगर पानी की बात करें तो देखो ये ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं और जो मेन टैंकी है पानी की वो बीच में है। पानी की सप्लाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, ताकि आप लोग यहाँ पे जो फूल और पेड़ है इनकी काफ़ी अच्छे से मरम्मत की जाए। थोड़ा सा घूमने के बाद हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के जैसे ही आप एंटर करते हो एक रास्ता गो स्ट्रीट सामने की तरफ जाएगा, उसके बाद आपकी लेफ्ट साइड से जो पूरा राउंड फिगर करेगा और दूसरा आपके राइट साइड को जाएगा वो भी पूरा राउंड फिगर करके। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़ लगा रखे छोटे छोटे, बॉटनिकल गार्डन इसका नाम इसीलिए रखा हुआ है और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है।
इसका जो रेशो है पार्क का, यहाँ मैं बहुत पहले आया था तो इतना ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे, तो अब इसका बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करके, और रोड देख सकते हो आप अंदर पार्क के अंदर, इतनी चौड़ी रोड कहाँ पे होती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि पार्क कितना बड़ा होगा। डस्टबिन के लिए यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है, यूज़ आप डस्टबिन कीजिए। और देखिए इतना बड़ा स्टेडियम है मेरे सामने, हम आगे की तरफ जाएंगे थोड़ा और। इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, मैं काफ़ी दूर से आ चुका हूँ। ये जो इस साइड को दिख रहा है आप, सारा पार्क ही पार्क है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, धूप सीख रहे हैं, और इस साइड को सारा बॉटेनिकल व्यूज़ है और सारे पेड़ पौधे हैं। और थोड़ा अगर हम आगे की तरफ जाएं तो इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस की है, पानी के फवारे चल रहे हैं। और इस साइड को जाएं तो यहाँ पे देखिए कुछ झील टाइप की है, ओहो ये कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत पानी लग रहा है इसमें। यहाँ चलते हैं और देखते हैं झील का व्यू। बस थोड़ा ऊपर देखिए, ये है यहाँ की झील। यहाँ पे थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है रेन हाउस, और साथ में एक और गार्डन और पार्क सा है, वहाँ पे भी चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं इसके बाद। इसके अंदर काफ़ी पेड़ वगैरह है, और साथ में अगर आप मेरे तरफ देखोगे यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ है। यही खासियत है, लोग बहुत सारे यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, इस टाइम घूमने के लिए आए हुए लोग। और सन बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये है भाई बॉटनिकल गार्डन का एक और अच्छा सा नमूना। तो ये देखिए जो आपको ये बीच में दिख रहा है, ये एक ऐसी जगह है, अजूबा टाइप की जगह है, और यहाँ अगर आप आते हो बीच में, चारों तरफ पानी और बीच में ऐसा रास्ता बना रखा है जिसमें आप घूम सकते हो चारों तरफ। ये यहाँ का एक, यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये जगह आपको मिलेगी बॉटनिकल गार्डन के अंदर। तो ये इस तरीके का पार्क आपको चंडीगढ़ में नहीं मिलेगा कहीं और, बहुत बड़ा और बहुत ही मज़ेदार पार्क है जिसके चारों तरफ हरे पेड़ पौधे हैं, और जहाँ पे चीड़ के पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, इसके बाद हम थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। तो देखिए यार हम पहुँच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आज मुझे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है। ये है चीड़ के पेड़, जो यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलते शहर में, लेकिन इस पार्क में मुझे ये भी देखने को मिल गए हैं, और छोटे छोटे पेड़ भी लगा रखे हैं। यहाँ पे लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं।